मैं आई तो ये पढ़ रही थी कि जहां चित्त निर्भय हो, लेकिन हमारी लड़ाई वहां तक जाएगी जहां पे चित्त स्वतंत्र हो, हमें स्वतंत्र होने तक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। रिचा सिंह जी, आपने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली, बधाई हो। शुभकामनाएं नहीं दे सकता क्योंकि अब शायद उसकी आपको जरूरत नहीं रही। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्राओं की प्रेरणा स्रोत से बाहुबली छात्र नेताओं की रोल मॉडल बनने का अनुभव वाकई रोचक होता होगा। जानती हैं योगी आदित्यनाथ के विरोध में शहर और विश्वविद्यालय आपके साथ क्यों खड़ा रहा? क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह सब कुछ महज एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जरिया है। हाथ में नारों की तख्ती लिए उन लड़कियों को नहीं पता था कि ये उस पार्टी में शामिल होने के लिए स्वांग है जिसके मुखिया खुलेआम कहते हैं कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं तो क्या शूली पर चढ़ा देंगे। आपको मिले रानी लक्ष्मीबाई सम्मान के लिए भी ढेरों बधाइयां, लेकिन मेरी नज़र में वास्तविकता यही है कि सम्मान से पहले सबकी नज़र में आपका सम्मान कहीं अधिक था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि देखा जाए तो कई मायनों में JNU दिल्ली विश्वविद्यालय से कई तरीके से फर्क है। वहाँ पे एक पूरी एक धनबल और बाहुबल की राजनीति काम करती है जिसके खिलाफ प्रतिरोध की आवाज़ हम लोगों ने इलेक्शन में दस्तक देकर उठाई थी और ये कहा था कि अब ये धनबल और बाहुबल की राजनीति जिसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार खड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उसको पूरा पॉलिटिकल बैकअप मिल रहा है मौजूदा सरकार का, इस धनबल और बाहुबल की राजनीति को हम नकारते हैं और एक नए तरीके की राजनीति, छात्र राजनीति हम कैंपस में खड़ा करेंगे जिसके पीछे ना तो धन होगा ना तो बल होगा लेकिन हमारी जीत अटल होगी। और इसके साथ हम लोगों ने छात्र संघ चुनाव में दस्तक दी थी। खबर में पढ़ा कि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए आपने ये फैसला लिया है। जहां तक हमें याद है, आपका अभियान तो धनबल और बाहुबल और अराजकता के खिलाफ शुरू हुआ था। उस सूची में सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना जुड़ सकता था, लेकिन आपने तो प्राथमिकता सूची ही बदल दी। धनबल बाहुबल के आगे आत्मसमर्पण, अराजकता के आगे घुटने टेक दिए। हो सकता है आप अगले कुछ महीनों में विधायक हो जाएं, फिर मंत्री हो जाएं, फिर मुख्यमंत्री हो जाएं, लेकिन विश्वविद्यालय की आशाएं आपसे इससे कहीं ऊपर थी। आपके इस कदम से हमें बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। यह हमारे साथ पहले बार थोड़ी ही हुआ है, अब तो आदत हो गई है। विश्वविद्यालय छात्र संघ को लोग राजनीति की नर्सरी कहते हैं। सभी लोग राजनीति में जाने के लिए इसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपने भी किया, बस मलाल इतना है कि आपने उस लौ को बुझा कर किया जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने आपको देखकर पाल ली थी। सब कुछ जानते हुए भी लगता है शायद इस बार ऐसा ना हो, लेकिन होता है। कोई आता है, हम भरोसा करते हैं, वो विश्वास तोड़ता है, अपना हित साधता है और आगे बढ़ जाता है। आपने भी वही किया। आपके विधायक बनने पर, फिर मंत्री बनने पर, फिर मुख्यमंत्री बनने पर हम बधाई तो देंगे लेकिन शुभकामनाएँ नहीं, क्योंकि शायद अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं रही।